हेलो दोस्तों, हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की बहुत ज़्यादा फेमस स्वीट डिश, जिसे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और जगह पे इसको इतना नहीं जाना जाता क्योंकि ये इतनी फेमस नहीं है। तो चलिए हम भी आज महाराष्ट्रियन स्वीट डिश बना लेते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें ये 5 इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। हमें चाहिए 1 कटोरी मैदा, घी चाहिए हमें 2 चम्मच, फिर हमारे पास है पानी और चीनी है हमारे पास 1 कटोरी, नमक है स्वाद अनुसार या 1 पिंच बोल सकते हैं, 1 बड़ा पिंच बोल सकते हैं आप। तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें। चंपाकली डिश का नाम थोड़ा सा फनी है, चंपाकली, बट यस, इसका नाम चंपाकली है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी डिश बनती है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा थाली लेंगे और उसमें हम डालते हैं मैदा, साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे नमक 1 बड़ी चुटकी, क्योंकि जो नमक है वो जो स्वीटपन है जो इसका वो थोड़ा सा बैलेंस कर देती है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं घी। आप घी की जगह डालडा भी डाल सकते हैं या फिर सोयाबीन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको हाथों से अच्छे से गूंद लेते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। अभी अच्छे से मसल मसल के गूंद रहे हैं, इसको मिक्स कर रहे हैं। जितना भी हमारा घी है वो जो मैदा है उसमें अच्छे से कोट हो जाना चाहिए सारे मैदे में, तभी जो हमारा चंपाकली जो हमारा डिश है वो अच्छा बन पाएगा। तो 2 मिनट इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं हम। अब हम इसमें पानी डाल के इसको गूंद लेते हैं। हमने इसमें थोड़ा थोड़ा ही करके पानी डालना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। हमें इसका हार्ड सा डो बनाना है, जैसा हम पूरियों के लिए बनाते हैं तो वैसा ही होना चाहिए। थोड़ा सा और पानी डाल के गूंद लेते हैं। तो देखिए जो हमारा डो है वो गुन गया है और ये काफ़ी हार्ड है, जितना कि पूरियों के लिए हम बेलते हैं या समोसे के लिए बेलते हैं, तो इसे हार्ड होना चाहिए, ज़्यादा पतला, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसको ढककर 8 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम अपनी चाशनी तैयार कर देते हैं। तो चाशनी तैयार करने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 1 कटोरी शुगर डाला है, चीनी, और अब इसमें हम डाल देते हैं 1/2 कटोरी पानी और इसको हम अच्छे से मेल्ट होने देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। तो अब इसको एक बार ही हम चला लेते हैं। सो गाइस, 1 मिनट हो गए हैं और जो हमारी चाशनी है वो क्रिस्टलाइज ना हो तो इसमें हम 1 टुकड़ी नींबू का डाल देते हैं। नींबू डालने से जो चीनी होगी वो जमेगी नहीं, जो साइड साइड में आपको दिखता होगा कि वाइट वाइट सा जम जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, वो नहीं होगा, तो इसलिए मैंने नींबू डाला है। तो देखिए, हाँ, ये काफ़ी अच्छे से जो चीनी है वो गल गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा नकली केसर डाल देते हैं। ये नकली केसर मैंने घर पे बनाया है। अगर आपने जानना है कि मैंने कैसे बनाया है, इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बिल्कुल असली केसर जैसे ही लगते हैं, असली केसर जैसा ही काम करता है। इसमें रेड, थोड़ा सा रेड कलर भी आएगा जैसे केसर में आता है। तो जिसके पास ना हो, जो ना ले सकता हो केसर, या जिसकी सिटी में केसर अवेलेबल ना हो, तो वो नकली केसर भी बना सकते हैं बहुत ईजीली सिर्फ 1 इंग्रेडिएंट से। तो चलिए अब हम जो ये नींबू है हम इसे निकाल देते हैं, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा जो सिरप है वो भी काफ़ी थिक हो गया है, तो चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हम 2 मिनट हाथों से अच्छे से मसल मसल के गूंद के इसको सॉफ्ट कर देते हैं, एक सॉफ्ट सा डो बना देते हैं।
तो दोस्तों मैंने इसको काफ़ी अच्छे से 2 मिनट तक मसल मसल के गूंथ लिया है और ये काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना देते हैं। तो देखिए एक कटोरी मैदे से लगभग 5 गोले बन गए हैं, 5 बॉल्स बन गई हैं। अब इनमें से एक को लेके हम बेल लेते हैं पतला सा। ये पूरी जितना गोला होगा तो हम इसे काफ़ी पतला, जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेल लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको पतला सा बेल लिया है और ये गोल नहीं है, ये ओवल शेप में है। तो अब हम इसको नाइफ से रेक्टेंगल शेप में काट देते हैं। तो देखिए मैंने इसे रेक्टेंगुलर शेप में काट दिया है। अब हम इसके बीच में से ऐसे कट लगाएंगे, साइड छोड़ देंगे, बस बीच बीच में ऐसे कट लगाने हैं। ऐसे ही बीच में 1-1 सेंटीमीटर का गैप देके इसको पूरा बीच से काट लेना है। बीच से काट लिया है और इसकी जो साइड है वो छोड़ दी है, हमें साइड में नहीं काटना है। अब हम इसके जो ऊपर है इसको ऐसे इसके ऊपर रख देते हैं। देखिए मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया है। देखिए हमारी एक चंपाकली जो है वो रेडी हो गई है। ऐसे ही हम और भी बना लेते हैं। हो गया है कि साइड हमने इसे फोल्ड कर दिया है और जो ये अंदर बीच का है इसका, इसके अंदर से हम इसे निकाल के फिर ऐसे इसको ये शेप दे दी है हमने। नीचे से भी हम इसको ऐसे ही पीछे से फोल्ड कर देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा शेप आ गया है इसका। सो हमारे 2 चंपाकली रेडी हो गए हैं। ऐसे ही हम सारे बना लेते हैं। तो हमारे सारे चंपाकली बनकर तैयार हो गए हैं और मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। इसमें हाई अच्छे से गर्म हो गई है। अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं, सोयाबीन ऑयल है ये। सो हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है और जो गैस की फ्लेम है वो एकदम मीडियम है, ज़्यादा फुल पे नहीं रखना है, नहीं तो जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और फिर हम इसमें अपने चंपाकली को डालेंगे तो वो जल जाएगी। सो इसलिए जो हमारा फ्लेम है वो हमेशा ही शुरू से लेके एंड तक एकदम लो पे होना चाहिए, मीडियम टू लो पे होना चाहिए, फुल में नहीं जाना चाहिए। तो चलिए ये गर्म हो गए हैं, अब इसमें हम डालते हैं चंपाकली को। सो हमने चंपाकली को डाल दिया है फ्राई होने के लिए। अब इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। एक और डाल देते हैं और एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम फ्राई कर लेते हैं। हमें इसको एकदम लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, नहीं तो जो हमारी चंपाकली है वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और जल जाएंगी। तो इतनी सुंदर डिश के लिए इतनी तो मेहनत बनती ही है। सो देखिए हमारी 2 चंपाकली जो है वो फ्राई हो चुकी हैं। एक जो है वो थोड़ी बड़ी है तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको हम शुगर सिरप में डाल देते हैं और अच्छे से कोट कर लेते हैं दोनों साइड से और इसे ज़्यादा देर इसमें नहीं रखना है, नहीं तो ये सॉगी हो जाएंगे, थोड़े से गीले हो जाएंगे। तो बस 2 मिनट हो गए, सॉरी सो बस 1 सेकेंड हो गया है
और इसमें शुगर जो सिरप है अच्छे से लग गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए, एक को हमने प्लेट में निकाल दिया है और बाकी ऐसे ही सारे चंपाकली को तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, रेडी है हमारी चंपाकली। और आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।